कहाँ था वो, लिम्फ हो गया था? लिम्फ ही कराना है, लिम्फ करा दिया मैंने। मैं कह रहा हूँ लिम्फ नहीं कराया ना अभी, मैं कह रहा हूँ लिम्फ करा दिया मैंने। लिम्फ क्या होता था? हाँ डिफाइन तो जल्दी हिंदी में निकालो। अच्छा रक्त हो गया था, रक्त हाँ हो गया। अच्छा ब्लड बता दिया, तीन चार तरह के थे जो, वैसे तीन होते, चार चौथा तो वो प्लाज्मा है, इसीलिए ब्लड में नहीं आता वो। बट यू कैन से द पार्ट ऑफ ब्लड, वो जो लिक्विड पार्ट है, जो ब्लड लिक्विड लग रहा है, वैसे ब्लड सॉलिड होता है वो ना, वो सॉल्यूशन है सॉलिड का और लिक्विड का। वो लिक्विड क्या है? प्लाज्मा। किसका कब है? सेम क्वेश्चन चैप्टर आता है पूरा, पैसेज मैम ने बताया, अनसीन पैसेज का मतलब ही है। कुछ अंदर से कहानी पढ़ो, पहले क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, कहानी बना पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, पता लग जाएगा कि ढूंढना क्या है। वो पूरा तो मिलता नहीं है, अपने समझ समझ के बना बना के ढूंढना पड़ता है, समझ में आ रहा है? उसको ये नहीं कि तुम अच्छे बच्चे लाइन ढूंढते, उसके अंदर लाइन नहीं मिलती, मिल जाए तो किस्मत है। उसके अंदर कहानी ढूंढ के अपने अपने शब्दों में लिखना है, इन योर वर्डिंग, अंडरस्टूड? तो उसे कहते हैं पैसेज। पैसेज में आपकी लैंग्वेज चेक होती है, आपकी टेंस चेक होते हैं, अंडरस्टूड? कितने आए, कितने में से? चलो ताली ज़्यादा कुछ 20 out of 20, ठीक है, अच्छी बात है, ऐसी लाओ, समझे? चलो अब पढ़ते हैं, तो टॉपिक पे आते हैं। अब बात करते हैं लिम्फ बेटा, ठीक है? लिम्फ हो गया कल, फंक्शन भी करा दिया, फंक्शन करा दिया इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिम्फ, उसके फंक्शंस क्या होता है बताओ तुम, लिम्फ क्या होता है? हाँ ब्लड को कैपिलरी करता है, ये देखो किसी ने पूछा भी था कैपिलरी क्या होता है, ब्लड वेसल्स, मैंने दिखाया भी थी डायग्राम में, है ना, ब्रोंची है ना, हाँ ब्रोंची, जब मैं बताया था कैपिलरी, तो वो वेसल्स होते हैं मतलब एक तरह की नसें हैं, बहुत सारी झुंड है उनका, जहाँ से वो फ्लो हो रहा है। कलर फ्लूड दैट फिल्टर आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरी, जो फिल्टर ब्लड कैपिलरी फिल्टर होता है, सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्लड, ये ब्लड का ही हिस्सा है लिम्फ भी। इट इज कम्पोजिशन इज सिमिलर टू दैट ब्लड एक्सेप्ट दैट रेड ब्लड कॉर्पल्स, सिर्फ रेड ब्लड को छोड़कर, ठीक है? यहाँ से अंडरलाइन कर लो जल्दी से, यहाँ तक पहला पॉइंट, दूसरा यहाँ तक हो गया, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि लिम्फ छोड़ना मत, इट इज ये ब्लड का पार्ट, कम्पोजिशन इज सिमिलर टू द ब्लड, ये ब्लड के सिमिलर होता है, ठीक है? सम ब्लड प्रोटीन आर एबसेंट इसमें, एंड सम ब्लड प्रोटीन्स आर एबसेंट इन इट, लिम्फ वाइट ब्लड सेल्स आर फाउंड इन, बस अच्छा, इन द लिम्फ वाइट ब्लड सेल्स आर फाउंड इन एबंडेंस, बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, मिल गया? ये लिम्फ कर लेना भाई, ये रखा हुआ है एग्जाम में। लसीका, लसीका क्या है? लसीका एक रंगहीन तरल है जो रुधिर कोशिकाओं के बाहर फिल्टर हो जाता है, क्योंकि कोशिका यह रुधिर का अंग है, क्योंकि यह रुधिर का अंग है, यानी रुधिर मतलब रक्त का अंग है। इसका संगठन रुधिर के समान होता है, इसके अतिरिक्त इसमें लाल रुधिर कणिकाएँ तथा लाल रुधिर प्रोटीनें अनुपस्थित होती हैं, ये नहीं होता इसके अंदर। लसीका में श्वेत रुधिर कोशिकाएँ बहुतायत में पाई जाती हैं, वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं उसके अंदर, ये सुनो। तो ये हमारा हो गया, अच्छा फंक्शन देख लो इसके, पता है ना क्या करता है इसके फंक्शन, बोलो बोलो। हाँ हाँ, लिम्फ ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है, हमने कल करा दिया था लास्ट क्लास में। फिर दूसरा, इट ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्टेस फ्रॉम टिश्यू फ्लूड टू द ब्लड, टिश्यू से ब्लड में लाते हैं, पता है तो ग्रीन जो हमारे नसें होती हैं, आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लासेस है ना, एक्टिव होती हैं। बींग लोडेड विद WBC इसके अंदर, सच एज लिम्फोसाइड, द लिम्फ प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, और यही है जो आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। क्यों बचाया? क्योंकि इसके अंदर WBC बहुत ज़्यादा है, और WBC का काम ही होता है ना, हाँ, कि प्रोटेक्ट करना सेल्स को, आपको बचाना बीमारियों से, इन्फेक्शन से, है ना, अगेंस्ट इन्फेक्शन। इट फॉर्म्स द डिफेंस और इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, ये हमारा डिफेंस करता है, रक्षा करता है, और हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को बनाता है, इम्यून सिस्टम को बनाता है। अंडरस्टूड? ये कंप्लीट हो गया पूरा, आई होप समझ में आ गया। अब बात करते हैं नर्वस टिश्यू, मिल गया बेटा पॉइंट, लसीका के तंत्र, उसके कारण लसीका के कारण, भौतिक में ढूंढने वाले बायो को, ओए ओए जीव, क्या है जीव विज्ञान, क्या है अब तू निकाला भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान ढूंढ रहा है, चटक नाम बता दे बस मजा आ जाएगा। धोनी धोनी की, मतलब धोनी के अंदर आवाज़ आएगी, ये तो ब्लड आ रहा है इसके अंदर, मतलब जवाब जोर से आ गई कि खून आ गया। हाँ भाई
जब खून आ गया तो वो चला गया बायोलॉजी के पास, आवाज़ आ गई तो वो आ गया फिजिक्स के पास। समझे? तो हम लोग कहाँ पर हैं? बायो में। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का मतलब क्या है? जीव का विज्ञान। और जीव का विज्ञान वो कैसे बना है ना, वो इसका विज्ञान। और तुम जा रहे किस पर? तुम जा रहे साउंड आवाज़ें, आवाज़ों के बारे में। समझे? पढ़ लो बेटा वरना तुम आवाज़ दोगे फिर, है ना? नहीं आ रही? तुम पढ़ नहीं रहे इसका मतलब। चैप्टर का नाम पता होना चाहिए सबसे पहले। घर जाके प्लीज़ पढ़ना चालू कर दो। हम टेस्ट ले रहे हैं, मैं देखो इसलिए हमने टेस्ट नहीं लिए कुछ दिन, बच्चों के हालात देखो कैसे हो रहे हैं। इसका मतलब बच्चों को पढ़ नहीं रहे। नर्व टिशू, इसलिए स्कूल के डॉक्टर को हम देंगे अपना टेस्ट। नर्व टिशू के बारे में बात करते हैं हिंदी में। तुम यार तुम सीधी बैठो, पहले सही से बैठो आप। अब हिलना नहीं आप, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। सीधी बैठ कर करती रहना काम। नर्व टिशू मिल गया, ऊतक, तंत्रिका ऊतक। ये होता क्या बच्चे? नर्वस टिशू है, नर्वस ही तो है। नर्वस मतलब न्यूरॉन्स, वो नर्व्स हैं सी बहुत सारी। बताया था न्यूरॉन की डायग्राम, जो फैला हुआ है पूरे जाल की तरह हमारी बॉडी में, जो हमारे मोटर नर्व सिग्नल आते हैं हमारी बॉडी में, क्या है ना, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के सिग्नल भेजते हैं। याद है कि हमारी बॉडी जो सिग्नल को लेती है, भेजती है, काम कराती है, चाहे वो आपके वॉलंटरी हो, चाहे इनवॉलंटरी हो, चाहे आपके ऐच्छिक पेशियाँ हों, चाहे वो अनैच्छिक पेशियाँ हों, वो सब किससे होती हैं? इसके जरिए। जाल है ये, नेटवर्किंग है आपकी बॉडी की, वायरिंग है, तार बिछे हुए हैं पूरी बॉडी में आपके, इसकी फॉर्म में। समझ में आ रहा है? तो नर्वस अंडरलाइन करो। तो डिफाइन नर्वस टिशू, क्वेश्चन ऐसे बनता है। नर्वस टिशू इज द टिशू विच इज स्पेशलाइज टू ट्रांसमिट मैसेज विद इन अवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पता क्या होता है? नमक वमक खाते नहीं हो आप? नमक खाना बंद कर दो, सुस्तीले से हो जाओगे, पता है ना? ये हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम NaCl, सोडियम क्लोराइड। हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होता आपका, जो पानी निकल जाता है बॉडी से, तो देखना बंदा बीमार हो जाता है जब उल्टी पलटी होती है उसे, उसके देखा होगा वो बिल्कुल ढीला हो जाता है ना? पता लग गया, क्योंकि इसकी बॉडी के सिग्नल नहीं भेजा रहे आसपास, तब उसकी उसको वो पिलाते ORS। अच्छा ORS, अच्छा हमने तो नमक चीनी पी है, तुम लोग ORS पीते हो? वो नमक चीनी होती है, वो उल्लू बनाता है वो पैकेट में महंगा करके, उसमें पता क्या होता है? नमक चीनी होती है, नमक चीनी होएगा और कुछ डाल देगा थोड़ा सा सोडियम वोडियम, सोडियम तो है ही नमक, और पता नहीं क्या डाल देगा उसके। अब मत बोलना, ठीक है? उसके अंदर चीनी तो वही है जो तुम बोल रहे हैं। क्या चीनी? हाँ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज का भाई फ्रक्टोज। सही में आ रहा है? फ्रक्टोज होते हैं वो, बताऊँगा किसी दिन फ्रक्टोज। समझे? वही एक और होता है, बुला दिया तुमने यार। लैक्टोज तो वो दूध को डाइजेस्ट करने का हार्मोन्स हो गया, उसको हटा दो, बुला दिया तुमने, बोल अभी मेरे दिमाग में आया था, वो होता है। समझे? वो ज़्यादा बेटर होता है। ग्लूकोज में थोड़ी दिक्कत है, जो हम चीनी खाते हैं ना उसमें थोड़ी सी, चीनी के अंदर शुगर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन वो जो होता है थोड़ा साइड इफेक्ट कम करता है, इसलिए थोड़ा महंगा पड़ जाता है, वो डाल देते हैं। आगे बढ़े, बाकी है अगर आप उल्टी पलटी हो नमक चीनी खा लो बस, काफ़ी है, ठीक है? अच्छा दलिया लिया पानी वाला मिल गया। नर्वस टिश्यू इज द टिश्यू विच इज स्पेशलाइज टू ट्रांसमिट मैसेज विद इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी मैसेज पहुँचाता है, पहला पॉइंट मिल गया, जो मैं बता रहा हूँ वही लिखना हिंदी में। हमारी बॉडी में क्या पहुँचाता है? हाँ संदेश वाहक। हेलो संदेश वाहक होता है, ठीक है? हाँ तुम्हारे ब्रेन, अच्छा ब्रेन तो पार्ट में मिट गया, स्पाइनल कॉर्ड एंड CNS, सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा दो पार्ट में बन जाता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, CNS, सेंट्रल नर्वस, सेंटर मतलब केंद्रीय, नर्वस मतलब तंत्रिका, सिस्टम मतलब तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हिंदी में, इंग्लिश में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, ब्रेन से एंड स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन जो होता है वो सोचता है फिर काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड बिना सोचे समझे काम करता है। यानी मान लो आपने कोई गर्म चीज़ टच कर ली, एकदम हाथ हटता है वहाँ से, करंट पकड़ लो झटका मारता है हाथ, ये समझे? या फिर हाथ में आपके वो छपकली गिर गई, अचानक हाथ उस पर ही गिरता लगता है, यार मच्छर अच्छा बैठ जाता है, सोते में पटाक से मच्छर मर जाता, देख के नहीं मार सकते लेकिन सोते मार दो, क्यों? देख के सोच के मारोगे, है ना? रात में सोते समय देखो मच्छर पड़ता, कभी देखना मच्छर मार देता आदमी सोते वक्त, मक्खी भी मार देता, क्यों? क्योंकि आपका एकदम पटाक से ब्रेन क्या है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, जैसे उसने मतलब पटाक से वहीं पे याद लगा। स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो अ सेकंड ब्रेन ऑफ योर बॉडी, और वो इसलिए ब्रेन है क्योंकि आपका ब्रेन सोचता है,
और कोई सुशील आदमी हुआ तो मर जाएगा, तो इसलिए स्पाइनल कॉर्ड बनाया गया, क्योंकि वो बताया वो नहीं करेगा, स्पाइनल कॉर्ड मैं ही काम करूँगा इसकी आदत, तो उसकी 90% जान वही बचा रहा है ना, आलसी इंसान को भी बचाता है। आगे बढ़े, तो ये था, तो ब्रेन तो पता ही आपको ब्रेन होता है, सी एन एस के दो पार्ट हो गए, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, बाकी आगे फ्यूचर में पढ़ोगे है ना, जो जो पास हो गए 9th क्लास में। आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा पॉइंट क्या है, क्या है यहाँ पर, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज ऑफ नर्वस टिश्यू, किसके हैं वो, नर्वस टिश्यू के हिस्से हैं, ये सुन लो, तो ये आ गया बेटा आपका, बहुत बढ़िया। फिर क्या कहता है, हाँ तो दूसरा पॉइंट, अच्छा इसके अंदर क्या होता है, नर्वस टिश्यू के अंदर क्या होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं। अच्छा न्यूरॉन्स की क्या होती है, एक एबिलिटी होती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 10th क्लास में चैप्टर पढ़ोगे इसमें, स्टिमुली और स्टिमुलस के बारे में पढ़ोगे, मतलब संवेदी इसको हिंदी में कहते हैं। अच्छा ये क्या होते हैं, जैसे आपका जो सन है ना, सन जो है, जैसे सन के अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करते हो, जैसे प्लांट्स जो हैं वो सूरज की तरफ बढ़ते हैं, अगर गमला परछाई में लगा दो यहाँ पर मतलब शेडो में, तो वो उल्टा हो गया पौधा, ऐसे जाएगा पहले फिर ऊपर जाएगा, फोटो इफेक्ट कहते हैं इसे, फोटो इफेक्ट, वो क्या होगा, फोटो मतलब सनलाइट को कहते हैं फोटो, तो वो ऐसे निकलेगा फिर ऐसे जाएगा, कभी देखा होगा तुमने कुछ पेड़ देखा होंगे तिरछे फिर सीधे जाते हैं, वो एक्चुअली जब लगा देते हैं गमला करो तो गमले को उल्टा डालते हैं कुछ देर, पेड़ ऐसे जाता पौधा, गमला डालोगे तो पहले तो ऐसे होगा फिर वो फिर ऐसे हो जाएगा, यानी ऐसे करके ऐसे, वही है। तो स्टिमुलस का मतलब हो गया कि आप रिस्पॉन्स करते हो किसी चीज़ के प्रति, वो है आपका स्टिमुलस, ठीक है। तो न्यूरॉन हैव द एबिलिटी टू रिसीव स्टिमुली फ्रॉम विद इन और आउटसाइड द बॉडी, अंदर से और बाहर से, एंड टू कंडक्ट इम्पल्स। अच्छा इम्पल्स होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, हमारी बॉडी के जो हमारी बॉडी पता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है करंट, और हमारी बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी दो जगह होता है, हार्ट में और ब्रेन में, तभी कहते हैं हार्ट के यहाँ पे मोबाइल नहीं रखना चाहिए, सोते समय तकिए के पास, बस में आ रहा है। तो ये बारी बात की कुछ होगा तो नहीं, क्योंकि जिनके खाली हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जिनके यहाँ यूज़ हो रहे हैं तो उनकी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, पता लगा रात में सोते सोते उनका जो मोबाइल दिमाग पर चिपक गया, मैग्नेटिक जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ मैग्नेटिक है, और जब पता है फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, वो अपनी फ्रिक्वेंसी छोड़ दा, वो अपनी फ्रिक्वेंसी छोड़ दा है ना, पता लगा रात में सोते सोते नहीं रहे है ना, क्योंकि मोबाइल से हमारा फ्रिक्वेंसी है, रेडिएशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, जनरेट है, तो हमारे हार्ट पे और ब्रेन के पास कभी भी मोबाइल सोते समय रखना नहीं चाहिए, ठीक है। पार्ट तो बढ़िया सर, यस और नो, ये कंप्लीट होता है आपका, ठीक है। हिंदी वाले देख लें, हाँ तो ये था, तो मेरुज्जु तंत्रिका, अच्छा तो अंडरलाइन करें, ऊतक जो हमारे शरीर में संदेशों को प्रेषित करने के लिए विशिष्टीकृत होता है, तंत्रिका ऊतक है, मस्तिष्क मेरुज्जु तथा तंत्रिकाएँ सभी तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं, तंत्रिका ऊतक में अति विशिष्टीकृत कोशिकाएं होती हैं जो तंत्रिका कोशिकाएं अथवा तंत्रिक कोशिकाएं कहलाती हैं, तंत्रिक कोशिकाओं में शरीर के बाहर से अथवा भीतर के उद्दीपकों को ग्रहण करने की क्षमता होती है, और शरीर के विभिन्न अंगों को आवेगों को संचालित संकेतों आवेगों यानी संकेतों को संचालित करते हैं। यहाँ तक हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है, यानी इसके काम हो गए, ये सिग्नल भेजते बॉडी में, ठीक है, ये आपका है नर्वस टिश्यू, क्लियर हो गया। अच्छा इसके पार्ट्स होते हैं, ये हम डायग्राम में हम डायरेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कौन कौन से इसके हैं दिखाई दे, न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स हो गया आपका, साइटोन हो गया, डेंड्राइट्स हो गया, याद है ये सारे टर्मिनल ब्रांचेस कर लेना, कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस आ जाओ, हाँ फंक्शन हो गया बस, काफ़ी ज़्यादा लिखा तो देखो ये लिख देना, ठीक है, बस आगे बढ़ जाते हैं, बस डायरेक्ट टाइम ये कर लो क्वेश्चन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट मिल गया, हिंदी में कह रहा है, हाँ मिला, एग्जॉन को हिंदी में क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एग्जॉन मॉड्यूलर सील, तंत्री कक्ष क्या कहते हैं इसको, तंत्री कक्ष, और क्या था एग्जॉन और डेंड्रेट्स, और पार्श्व तंतु में अंतर बताइए, क्वेश्चन लिखो तंत्री कक्ष और पार्श्व तंतु में अंतर बताइए, मिल गया, नहीं मिला, उसमें नहीं मिलेगा, तुम फिजिक्स की लेके बैठे कुल, पहले तो किताब बंद कर लो दोनों, ये लोग जो फिजिक्स खोल के बैठे, हाँ और तुम पे तो है ना, तुम खोल नहीं सकते उसमें, थी तो उसमें तो जितना है उतना देंगे, लो क्वेश्चन क्या है, तंत्रिकाक्ष और पार्श्व तंतु में अंतर बताइए, लिखो देखो ये तो लिख दो भाई, तंत्रिकाक्ष और पार्श्व तंतु में अंतर बताइए, मम्मी और तुम्हारी
मैं अंतर अब बता नहीं दी ना, मम्मी आएंगी अच्छा अच्छा तंत्रिकाक्ष और पार्श्व तंतु में अंतर बताइए, मिल गया, चलो क्लियर। हाँ जी क्लियर, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा तो क्वेश्चन लिख देते हैं, एक्सोन एंड डेंड्रिट में डिफरेंस। पहला, इट लॉन्ग यूनिफॉर्मली थिक्ड फाइबर लाइफ प्रोसेस ऑफ अ न्यूरॉन, मिल गया एक्सोन। डेंड्राइट क्या होता है, इट अ शॉर्ट टैपरिंग प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन, इट इज ऑलवेज कवर्ड विद अ शीथ, इट अ शीथ इज एब्सेंट, मिल गया। ये चौथा वाला कर लो, तीसरा, तीन पॉइंट करना, एक दो और तीन। इट कैरीज इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ये हमारी बॉडी से इम्पल्स मतलब सिग्नल ले जाती है, ये लाती है, एक ले जाती है एक दूर ले जा रही, वो एक्सोन है, जो पास ला रही वो डेंड्राइट, वो लेके आ रही। इट कैरीज इम्पल्स टुवर्ड द सेल्स बॉडी, ये सेल की तरफ ला रही, वो सेल से दूर ले जा रही है। सुनो कैसे रही, ये कंप्लीट होता है, आई होप ये समझ में आ गया आपको। चैप्टर आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं चैप्टर के। कहाँ पर बेटा, कहाँ पर, एक मिनट, मेरी सीट इसको एक बता नहीं पाऊँगा, दिखा सकता हूँ फिर समझ में आएगी, समझे, क्योंकि बताऊँगा तो ऊपर से निकल जाएगी, समझे, फिर उसको भी बताना पड़ेगा जो बताऊँगा। इसको देख लो होती कैसी है, स्ट्रक्चर्स हैं उसके, समझे। हाँ जी, हाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया इसके बाद। अच्छा क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, रैम प्रॉब्लम है, रैम और SSD। ऐसी होती है, दिखाई दे रहा है जी, दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, हाँ जी दिखाई दे रहा है, ये होती है, दिखता ही, हाँ। उसके बाहर वाले लोग बोलते हैं न्यूरोलेम्मा, और जो अंदर वाला है उसे कहते हैं एक्सिस सिलेंडर, समझ में आ रहा है। और मेडुलरी सीथ कहाँ पर है, हाँ जी मेडुलरी सी दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये है इसका जो जूम आपने देखा अभी, हाँ जी ये जो चीज़ है देख लिया आपने, मेडुलरी सी था जी,
ठीक है बेटा? हाँ जी, ये कवरिंग होती है सराउंडिंग एंड इंसुलेटिंग सर्टेन नर्व्स फाइबर. क्या होती है? मेडुलरी सीथ. मेडुलरी सीथ इज अ प्रोटेक्टिव एंड कवरिंग सराउंडिंग. एक प्रोटेक्टिव है और एक कवरिंग है. इंसुलेटिंग सर्टेन नर्व फाइबर जो इंसुलेट कर रही है उसको चारों तरफ. इसके अंदर दो लेयर होती हैं, एक इनर फैटी लेयर कॉल मेलिन सीथ एंड आउटर सेलुलर लेयर कॉल न्यूरीलेमा या सीथ. ठीक है, हाँ जी. ये क्या होती है? एक एक कवरिंग है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो दिखने में कैसी लगती दिखा देख लिया आपने. हाँ जी, आगे बढ़े. चलो भाई, तो ये आपका कंप्लीट हो गया. आई होप अब क्वेश्चन कर लें इसके. और कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए बेटा, तो इसी में होते हैं क्वेश्चन, जस्ट पास में. हाँ चलो, यही है नीचे समरी क्वेश्चन. हाँ तो एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक एग्जाम्पल इससे नीचे. मुझे लग रहा वही है. आ गया बेटा, मिल गया बेटा. तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है एक्सरसाइज विद आंसर. मिल गया. टिश्यू क्या है आपको पता है. जो नहीं आएगा वो आप हाथ उठाएंगे और पार्डन सर बोलेंगे. ठीक है, इसका मतलब होता है माफ़ करना सर, आपने पढ़ाया था लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया. ठीक है, ठीक. हाँ जी, तो व्हाट इज टिश्यू पहला पता है आपको, बताने जरूरत नहीं है. ऊतक क्या है? व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स? क्या होती है? अलग अलग काम करते, याद है, स्पेशलाइज्ड होते हैं. चलो ये भी हो गया. नेम थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू, बताया था. पेरिंग काम है, कॉलिंग काम है, स्कैनिंग काम है. हाँ जी, पेरिंग चाय क्या लगा में चाय माँ मृदु तक क्या नाम थे इसके, याद आया? आ रही जा रही, पूरी जा रही. किताब ही नहीं खोल के देखी होगी तुम लोग तो. तुम्हारा तो मृदु तक होगा बेटा. हाँ जी, क्या था? मृदु तक, श्लेष्मो तक या स्थूल कोड़ों तक और तीसरा दृढ़ों तक. मिल गया. तो ये थे तीन तरह के होते हैं सिंपल टिश्यू, बताया था. एपिकल मेरिस्टेम फाउंड पता है कहाँ मिलता है? विच टिश्यू मेक अप द हस्क ऑफ कोकोनट? स्कैनिंग काइमेटस फाइबर. व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम? ये मिल गया. फ्लोएम किस किससे मिलके बना है? सीप ट्यूब कंपेन सेल्स फ्लोएम फाइबर वास फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा. हाँ जी, गीतिका भी एनसीईआरटी चल रही है. ठीक है, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में कौन कौन से मूवमेंट? मस्कुलर टिश्यू. व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक? कैसा दिखता है? बता दिया एग्जाम साहब पर डायग्राम हो गई. गिव द फीचर ऑफ कार्डिक मसल, कौन कौन से चलती रहती है जिंदगी भर में थके रोके है ना, याद है. व्हाट द फंक्शन ऑफ एरोल टिश्यू? एरोल टिश्यू पढ़ाया था मैंने, एरियोलर. मैंने कहा था छुड़वा दिया मैंने, है ना, हमने कहा यहाँ से करा दें, यहाँ से मिलकर चलो पढ़ा देता हूँ. एरोल टिश्यू किसके अंदर आया था? कनेक्शन नहीं, कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट जो थे जिसमें एरोल टिश्यू हमने पढ़ा. एरोल टिश्यू इज अ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, उसके अंदर की जगह भर देता है. सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, उसके अंदर के ऑर्गन को सपोर्ट करता है. एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, और टिश्यू की मरम्मत में मदद करता है. यस और नो? ये हो गया. डिफाइन टर्म टिश्यू, टिश्यू तो पता ही आपको. हाँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट टुगेदर मेक अप जाइलम टिश्यू? अभी फ्लोएम की बात करती है, किसकी बात कर रहे हैं? जाइलम किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है? ट्राचीट वैसिल जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम फाइबर. हाउ आर टिश्यू हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्लांट्स? मिल गया. या सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, वेयर एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. बस हो गया. पेरेन्काइमा कोएन्काइमा स्कैनिंग समझा दिया मैंने. हाँ जी, वाटर फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, बताया ना. स्टोमेटा क्या कम कम करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर वेपर. मिल गया. हाँ,
शो डिफरेंट थ्री टाइप्स ऑफ मसल फाइबर की डायग्राम तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल फाइबर मिल गई पेज नंबर मिल गया कहाँ है 140 हाँ मिल गया चलो व्हाट इज द टाइप व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डिक मसल पता लग गया चलता रहता है डिफरेंट बिटवीन स्ट्रेचिंग अनस्ट्रेचिंग एंड कार्डिक मसल बता दिया मैंने तीनों बता दिए हैं स्ट्रेचिंग मसल अनस्ट्रेचिंग मसल और कार्डिक मसल हिंदी वाले किताब दिखाओगे कोई मुझे हाँ चलिए भाई अच्छा तीनों प्रकार की पेशी मिल रही है आपको कर लोगे ये तीनों कर लेना आप अच्छा जब आप डॉक्टर बनोगे तो काम करेंगे है ना समझे समझे अच्छा टेन क्या था अच्छा अच्छा क्वेश्चन टेन ने नीचे लिखा ऊपर लिख दिया नेम द फॉलोइंग टिश्यू दैट फॉर्म इनर लीनिंग ऑफ माउथ उसका बताओ टिश्यू दैट फॉर्म इनर लीनिंग ऑफ अवर माउथ कौन सा एक्सपीरियंस पहली थी टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन इन ह्यूमंस मसल से बोन को कनेक्ट करता है पता है टेंडन पढ़ाया गया था आपको सी पार्ट टिश्यू दैट ट्रांसफर फूड इन प्लांट्स फ्लोएम टिश्यू दैट स्टोर फैट इन अवर बॉडी एडिपोज टिश्यू आपकी बॉडी का जो फैट है वो कहाँ स्टोर है एडिपोज है ना अगर आपको बॉडी का फैट खत्म करना है तो उसको ख़त्म कर दो है ना कनेक्टेड टिश्यू विद अ फ्लूड मैट्रिक्स मिल गया वास्कुलर टिश्यू ब्लड एंड लिम्फ में होता है पता था अच्छा टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन नर्वस टिश्यू चलो ये कंप्लीट हो गया अच्छा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग कौन कौन सी स्किन में कौन सा टिश्यू है आपका एपिथेलियल हाँ जी बेटा याद करना चालू कर दो तो अच्छा हमें आपका एपिथेलियम ऊतक है बार को ट्री में कौन सा है कॉर्क यानी प्रोटेक्टिव टिश्यू हिंदी में कहते हैं पौधे के बल्क में एक्ले रेनकाइमा ऊतक अस्थि में बोन में अच्छा बोन के अंदर कनेक्टिव टिश्यू है किडनी के अंदर क्या है क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू वास्कुलर बंडल कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम फ्लोएम ये सारे याद करो रट्टे मारो जो भी है समय मंडल समयन ऊतक चलो नेम द रीजन इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट किसमें पाया जाता है पैरेन्काइमा इज सिंपल सिंपल परमानेंट टिश्यू ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट पता है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म पढ़ाया मैंने नेकेड सीड पढ़ाया था मैंने नहीं पढ़ाया अच्छा इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स एंड पिथ ऑफ स्टेम एंड रूट में पाया जाता है इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द मेसोफिल ऑफ लीफ लीफ में भी पाया जाता है वाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट मिल गया एपिडर्मिस पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है मिल गया एपिडर्मिस इज द प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू अंडरलाइनिंग टिश्यू से प्रोटेक्शन देता है एपिडर्मिस पहला पॉइंट मतलब पॉइंट लिख देना है पता है पॉइंट कैसे कहते हैं जब पूरी बात कंप्लीट हो जाए ये नहीं जब थी उसी बात को दो बार लिख रहे आधी आधी बात वो पॉइंट नहीं होएगा वो तो खराब हो जाएगा तुम्हारा एपिडर्मिस फॉर्म अब आउटर कवरिंग ऑफ वेरियस प्लांट ऑर्गन सच एज रूट स्टेम लीव्स एंड फ्लावरिंग एंड रिमेन इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट दूसरा पॉइंट हो गया मिल गया आउटर कवरिंग देता है ना विद द एनवायरमेंट एनवायरमेंट से एनी सब्सटेंस वेदर सॉलिड और लिक्विड और गैस कैन एंटर इन टू द प्लांट और मूव आउटसाइड द ओनली आफ्टर पासिंग थ्रू द दिस लेयर है ना इसलिए वो पास होने प्रोटेक्ट करता है ना मना कुछ भी अंदर चला जाएगा है ना एपिडर्मिस हेल्प इन एब्जॉर्प्शन तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर तीसरा चौथा है चौथा चलो एपिडर्मिस हेल्प इन एब्जॉर्प्शन सीक्रीशन एक्जीक्रीशन गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्टेशन इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ पैथोजन्स मतलब बाहर की चीज़ों को अंदर जाने से रोकता है ठीक है आगे बढ़ें हाउ डज कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर कॉर्क कैसे एक प्रोटेक्टिव मतलब हिंदी में क्या कह रहा है हिंदी में क्या कह रहा है छाल किस प्रकार सुरक्षा ऊतक के रूप में कार्य करती है पौधे को छाल होती है ना तुम देखो ह्यूमन की आदत होती है कहीं खड़ा हो जाए तो है ना कुछ हाथ पे चलाता रहता है लग पेड़ पे पकड़ा हो गया तो उसे नोच रहा है ना पत्ता तोड़ दिया नोच रहा है ऐसी उंगली लगा रहा उसमें उंगली मार रहा है ना हाउ डज कॉर्क एक्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू मिल गया द कॉर्क सेल्स आर डेड एंड डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस द सेल वॉल ऑफ द कॉर्क सेल्स आर कोटेड विद किससे बनी होती है सोबेरिन एंड वैक्सी सब्सटेंस सोबेरिन मेक द सेल्स इम्परमेबल टू वाटर एंड गैसेस कॉर्क इज प्रोटेक्टिंग फंक्शन इट प्रोटेक्टिंग अंडरलाइन टिश्यू फ्रॉम
डेसिकेशन यानी लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी, यानी पानी जो प्लांट बॉडी है अगर खुला होगा तो पानी धूप से निकल जाएगा सारा, तो ऊपर से काली काली लेयर बन गई तो पानी को धूप अंदर जाएगी नहीं, ये कह रहा है इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी, और उसमें जो चोट होती है बताए इंजरी खुला चले उसमें आप वो पेड़ देखा नहीं जानवर कुत्ता ऐसे जाता है पेड़ के पास है ना, बंदों को देखा ही होगा घिसते हैं अपनी पीठ को पेड़ से है ना नहीं तुम गांव में जाओ तो दिखाई देंगे है ना, तो ये हो गया। अच्छा ये टाइगर भी दिखाई दे रही, इस तरह की मैं बताई थी, इसमें पढ़ा दिया है मैंने, ये फिल करने को आएगी, ये तो हो गया कम्प्लीट। ठीक है सैम्पल पेपर पे भी क्वेश्चन है इसके, मतलब ये एनसीईआरटी करा देता हूँ, बाकी फिर सैम्पल पेपर वाले बाद में होंगे, आई थिंक समझ में आ गए सारे, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको किताब से ना पढ़ाया गया हो, ये सब नो, ये सारे आपको मिल गए।